ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियोस में मैंने पहली बार वॉइस ओवर किया है तो उम्मीद है आपको शायद वीडियो पसंद आएगी, बट नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की जरूर ट्राई करूँगा अगली वीडियो में। ओके, हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। 3-4 महीने कोरोना के कारण घर में रुकने के बाद मुझे मौका मिला बाहर जाने का, ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे कोरोना का कोई केस नहीं है और आप आराम से खुले घूम सकते हो। और मैंने क्या किया, वही जो आप करते, घूमने निकल गया। वहाँ पहुँचने के बाद हम एक गुफा में घूमने गए जो कि घर के पास ही थी। ये गुफा मंदिर के अंदर थी तो गुफा में जाने के लिए हमें मंदिर के अंदर से होके जाना पड़ा, और मंदिर के पास से जो नज़ारे थे वो तो अलग ही लेवल के थे। जैसे ही मैंने सबसे पहले गुफा को देखा मेरे अंदर डार्क वाली फील आ गई। आपने वेब सीरीज तो देखी होगी, नहीं देखी तो देखना जरूर, अच्छी है। यहाँ पे मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी लोग थे, तो हम सब धीरे धीरे गुफा के अंदर चलने लगे। और सही बताऊँ तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, मैंने गुफा को पहली बार देखा था, वो भी इतने पास से देख रहा था। ये गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है, पहले ये काफ़ी लंबी थी तो कुछ रीजंस के कारण मंदिर के जो लोग हैं उन्होंने इसको आगे से बंद कर दिया, तो हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाए, बट जितना भी हम गए काफ़ी अच्छा लगा। जैसे जैसे हम अंदर जाने लगे गुफा के अंदर अंधेरा काफ़ी बढ़ गया था और मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर लिया, इसलिए मेरा जो कैमरा था उसको मैंने सीधा पकड़ लिया टेढ़े पर करने की बजाय। जैसे जैसे हम गुफा के एंड में जा रहे थे वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे और जो नीचे मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा गीली थी। आई डोंट नो वाई बट मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे कहीं पानी वानी का कुछ तो सीन है। जैसे ही हम गुफा के एंड तक पहुँचे हमने 1-2 मिनट वहाँ पे बिताया, देखा चारों तरफ और खुश होके हम वापस लौट आए। एक्चुअली जो ये गुफा में जाने का प्लान था ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये अचानक बन गया तो हम निकल लिए। और कई बार ऐसा लगता है कि जो अनप्लान चीज़ होती है काफ़ी सही हो जाती है। और बाहर की तरफ भागने लगे। जैसे ही आप मंदिर के बाहर आओगे वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब मिलेगा और वहाँ पे हम रुके 10-15 मिनट, थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद हम चले गए वापस घर। ओके, नाउ अगर आपका यहाँ पे आने का मन कर रहा है तो अगर आप हरियाणा से हो, गुड़गांव से हो या आप दिल्ली से हो तो आप आ सकते हो अपना व्हीकल लेके, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप गूगल मैप्स पे जाइए और सर्च कीजिए शीतल सिद्ध मंदिर हरियाणा और आपको लोकेशन मिल जाएगी और आपको यहीं पे आना है। आप वहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी देख सकते हैं मैप में और घूमिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो काफ़ी लंबी आएगी, ये बहुत छोटी वीडियो होती है, आई नो 2-3 मिनट की, और बहुत टाइम लग गया वीडियो लाने में, तो अगली जो वीडियोज़ आएंगी वो थोड़ी अच्छी आएंगी, तो वेट कीजिए। थैंक यू।